वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप जनपद में थमने का नाम नहीं ले रहा है और आज भी 26 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। आज मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों में शहर के मोहल्ला द्वारकापुरी, आदर्श कॉलोनी, ब्रह्मपुरी, लद्दावाला, जिला जेल, रेलवे रोड, मीनाक्षी चौक, नॉर्थ सिविल लाइन के अलावा कस्बा जानसर, शाहपुर, मोरना, पुरकाजी के साथ गांव अलमासपुर में भी कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। अब हालात यह है कि शहर का कोई भी मोहल्ला व जनपद का कोई भी कस्बा कोरोना से अछूता नहीं है और चारों ओर कोरोना फैल चुका है। अच्छी खबर यह है कि आज 34 मरीज ठीक हुए हैं जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब जिले में 149 एक्टिव केस शेष रह गए हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व आलोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कुल 1492 सैंपल की रिपोर्ट आई है जिसमें 26 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं जबकि 34 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं जिन्हें कोविड-19 अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब तक जिले में कुल 598 कोरोना मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और अब जिले में 149 एक्टिव केस रह गए हैं। आज मिले कोरोना पॉजिटिव मरीजों में शहर के मोहल्ला द्वारकापुरी से भी 2 कोरोना संक्रमित मिले हैं जो पूर्व में मिले मरीज के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। इसी प्रकार आदर्श कॉलोनी से मिले दोनों कोरोना संक्रमित अपने परिजन के संपर्क में आने से ही संक्रमित हुए हैं। मोहल्ला ब्रह्मपुरी से भी 1 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जो अपने परिजन के संपर्क से संक्रमित हुआ है। 1 कोरोना संक्रमित मरीज मीनाक्षी चौक के निकट से भी मिला है जबकि 1 मोहल्ला नॉर्थ सिविल लाइन निवासी व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इसके अलावा 1 कोरोना संक्रमित रेलवे रोड निवासी व्यक्ति मिला है जिसके परिजन की कुछ दिन पूर्व कोरोना से ही मौत हो गई थी। इसके अलावा जिला जेल से भी 1 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जो पूर्व में मिले मरीज के संपर्क में आने से ही संक्रमित हुआ है। इसी प्रकार मोहल्ला लद्दावाला से भी 3 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं जिनके स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विगत दिवस रैंडम सैंपल के रूप में लिए थे। इसके अलावा 1 कोरोना पॉजिटिव कंबल वाली गली निवासी व्यक्ति मिला है जिसकी रैपिड एंटीजन टेस्ट में जांच हुई थी। इसी प्रकार गंगारामपुरा निवासी एक व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है जिसमें ट्रू नेट के माध्यम से जांच कराई थी। इसके अलावा नई मंडी क्षेत्र के गांव अलमासपुर से भी 1 महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है जबकि कस्बा पुरकाजी निवासी एक व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव आई है जिसने मेरठ में अपनी जाँच कराई थी। इसी प्रकार जानसठ कस्बे के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना महामारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। संक्रमितों में 1 तालड़ा गांव का ग्रामीण भी शामिल है। बुधवार को जानसठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना के दर्जनों टेस्ट हुए जिसमें से 4 लोग की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से हड़कंप मच गया। लगातार मिलने से कस्बे वासियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पास के गांव तालड़ा से भी 1 ग्रामीण संक्रमित पाया गया जिसके चलते गांव में कोरोना वायरस को लेकर दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय नगर पंचायत में 1 संविदा कर्मी कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाया गया है एवं 2 दिन पूर्व नगर पंचायत कर्मचारी की पत्नी भी कोरोना संक्रमित मिलने से कस्बे के नागरिकों में हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर स्थानीय कोतवाली में भी 1 पुलिसकर्मी संक्रमित पाया गया है जिसके चलते पुलिसकर्मियों में भी कोरोना वायरस वैश्विक महामारी बीमारी को लेकर पुलिसकर्मियों में दहशत का माहौल व्याप्त है। पुलिसकर्मी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व में भी 2 पुलिसकर्मी एवं 2 नगर पंचायत कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए थे जिसके चलते नगर पंचायत एवं कोतवाली को सैनिटाइज कराया गया था। 2 दिनों से नगर पंचायत कार्यालय भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जिसके चलते कस्बे के नागरिकों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा कई गलियों को सील कर दिया गया है जिसमें बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। CHC प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि 2 संक्रमित लोगों को बेगराजपुर के लिए भेज दिया गया है जबकि 2 को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। मोरना ब्लॉक क्षेत्र में बुधवार को 3 आशाओं की रिपोर्ट आई है। मोरना ब्लॉक क्षेत्र में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 18 हो गई है। मरीजों को घर पर ही क्वारंटाइन किया गया है। मोरना में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्जुन सिंह ने बताया कि गांव भंडूर से 2 व विलायत नगर की 1 आशा कार्यकर्त्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तीनों की हालात ठीक हैं। तीनों में कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए हैं इसलिए तीनों आशाओं को घर पर ही क्वारंटाइन किया जा रहा है। खतौली में नजला, खांसी, बुखार की शिकायत होने पर प्राइवेट लैब से कराई गई जांच में 1 युवक के कोरोना संक्रमित पाए जाने से मोहल्ले वालों में हड़कंप मच गया है।
जानकारी के अनुसार कस्बे के मोहल्ला सैनी नगर का रहने वाला युवक आरटीओ ऑफिस मुजफ्फरनगर में कमीशन एजेंट का काम करता है। नजला खांसी बुखार से पीड़ित होने पर परिजनों ने 3 दिन पहले प्राइवेट लैब को कोरोना जांच हेतु सैंपल देकर युवक को गाजियाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया था। मंगलवार देर रात को युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने से परिजनों में मोहल्ले वालों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना संक्रमित मिले युवक के परिजनों के स्वास्थ्य का परीक्षण करके इन्हें होम क्वारंटाइन करा दिया। पुलिस ने कोरोना संक्रमित मिले युवक की गली को बल्लियों से सील कर दिया। नगर पालिका परिषद की टीम ने मोहल्ले को सैनिटाइज किया। ताज़ा और तेज खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।